ये चूतिया कैसे बन गया, तेरी हिम्मत कैसे हुई, ये वीडियो डिलीट कर। हेलो दोस्तों, तो मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, जो कि कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि मैं गया था जागीते 07 से मिला उनके घर पर। तो उनके मम्मी पापा और एक उनके दोस्त ने मेरे साथ सही व्यवहार नहीं किया था, जिसका नाम था प्रणव, जिन्हें मैंने चूतिया बोल दिया था। तो पहले तो सॉरी भाई, अगर मुझे मेरी बात ये चूतिया तुम्हें बुरी लगी, क्योंकि इन भाई ने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया है। क्या कहा है इंस्टाग्राम पर वो बताएंगे, लास्ट तक वीडियो बने रहना गाइस। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस पहले हम बात करते हैं कि उस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे कमेंट आ रहे थे कि आप मिलने ही क्यों गए उनके पास, यानी आपको नहीं जाना चाहिए था मिलना, आपका स्वार्थ होगा तभी तो आप मिलने गए। हाँ मैं मानता हूँ मेरा स्वार्थ था, मैं मिलने गया, पहले मेरी बात तो सुनो कि आप लोग लास्ट तक वीडियो नहीं देखते फिर कमेंट कर देते हो। बाबू एक पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी कुछ दिन पहले, जिसमें मैंने बताया था कि बाबू भैया ने स्टोरी लगाई है जिसमें कहा है कि मैं कुछ लोगों की मदद करूंगा जिन्हें नींद है पैसे की, वो कैमरा देना चाहते हैं या अपना इलाज करवाना चाहते हैं। पहले उस वीडियो क्लिप को देखो। 20 लाख रुपीज डोनेट नहीं बोलूंगा, गलत शब्द यूज कर रहा हूं मैं, जिन लोगों को भी जरूरत है अपने YouTube चैनल शुरू करने के लिए, अपना हॉस्पिटल शुरू करने के लिए, अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, हम लोग ऐसे 20 लोग फाइनल आउट करने वाले हैं। एंड आप में से ही जो लोग स्टोरी देख रहे हैं, 20 लोगों को हम लोग एक लाख रुपए से, आई गेस बहुत, मैंने भी करियर अपना इतने पैसों से ही शुरू करा था। 1 लाख रुपए में अच्छा कैमरा आ जाता है, 1 लाख रुपए में अच्छा खासा सामान आ जाता है, 1 लाख रुपए में आप मेहनत करोगे थोड़े पैसों से कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प आउट करेगा। So, 20 लाख रुपए हम लोग अपने एंड से प्रोवाइड कराने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो गाइस जैसा कि आपने देखा कि बाबू भैया साफ साफ उस वीडियो में कह रहे हैं कि मैं हेल्प करूंगा, तो आप लोगों को तो पता है कि मैं अपना इलाज के लिए मुझे पैसा चाहिए, मुझे अपना ऑपरेशन करवाना है। अगर मेरा टाइम पर ऑपरेशन नहीं हुआ तो यानी मेरे जीवन के लिए खतरनाक हो सकता है, यानी मेरी जिंदगी समाप्त हो सकती है। यह मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ, क्योंकि मैं जितना बड़ा हो रहा हूँ उतना ही कहीं कहीं मेरा मुंह बंद होता जा रहा है। तो अगर अपना जीवन बचाने के लिए किसी से हेल्प मांगना जाना गुनाह है, तो मैंने ये गुनाह किया और मैं ये इसमें मेरा स्वार्थ था, तो यह बात मैंने क्लियर कर दी, ऐसी कमेंट मत करना। दूसरी बात रही कि बाबू भैया के दोस्त प्रणव के बारे में, जिन्हें मैंने चूतिया बोल दिया था, तो मैं सोजी शुरू में भी बोल चुका हूँ, अब भी बोल चुका हूँ कि सोजी भाई अगर आपको मेरी बात बुरी लगी, लेकिन एक बात मेरी कान खोल कर भाई सुन लो, अगर मेरी जगह पर आप होते और मैं वहाँ पर होता और मैं मेरे पास आप आते 600 किलोमीटर दूर से आप पूछते कोई बात, तो मैं आपको मेरी आपकी बात न सुनकर आपको धक्के मारकर भगा देता, तो आपको उस वक्त कैसा फील होता जरूर से बताना कमेंट में। वैसा ही मुझे फील हुआ था। तो मैंने अगर आपको चूतिया बोल दिया, तो चूतिया शब्द कोई ज्यादा बुरा नहीं होता, हम अपने दोस्तों वगैरह में बोलते रहते हैं, लेकिन बुरा लगा तो सॉरी बोल चुका हूँ। और अगर आपके अंदर आप भी इंसानियत है, आपने जैसा कि गाइस आप लोग स्क्रीनशॉट देख सकते हो जिसमें इन्होंने कहा है कि मुझे अपना नंबर दो, यानी नंबर शेयर करो, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आपके पास मैं वहाँ पर गया तो आपके पास 2 मिनट नहीं थे मेरी बात सुनने के लिए, अब आप मुझसे कांटेक्ट करने की बात कर रहे हैं, यानी आपसे और मुझसे बात करने की कोशिश करना चाहते हो। भाई मैं जानता हूँ कि आप मुझसे क्या बात करो, आप यही कहोगे तूने मुझे चूतिया कैसे बोल दिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई, ये वीडियो डिलीट कर, अब यही बोलते मुझे पता, इसलिए मैंने रिप्लाई नहीं किया। लेकिन अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत इंसानियत है, तो मैं अभी भी चाहता हूँ कि आप मेरी हेल्प कर सकते हो, बाबू भैया से बात करो। शायद आपने बाबू भैया को बता भी दिया होगा कि आपके पास कोई मिलने आया था, उसने वीडियो बनाई है, लेकिन तो मेरा गुस्सा था तो मैंने बोल दिया। लेकिन आप तो बड़े हो ना, आपको सोचना चाहिए कि अगर कोई बच्चा आया इतनी दूर से, उसे इस तरह से नहीं धुतकारना चाहिए ना। मैं ऐसा नहीं करता किसी के साथ, अगर आप मेरे घर कभी आके देखना, मैं आपको तब भी सम्मान ही दूंगा। समझ रहे हैं प्रणव भाई मैं क्या कह रहा हूँ? अगर आप ये भी वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज मेरी बाबू भैया तक बात पहुँचाओ। मैं यही करने गया था कि बाबू भैया तक मेरी बात पहुँचे, वो मदद करें मेरी, वो सबकी मदद करते हैं, उन्होंने बहुत वीडियो में बता रखा है। और अगर आप लोग इतना ही यानी सिर्फ दिखावा करते हैं, किसी की हेल्प नहीं करते, तो भाई ऐसा मत किया करो जिससे आपके पास कोई आएगा नहीं। अगर आप ऐसा दिखाओगे कि आप सही नहीं हो तो कोई नहीं आएगा। बाकी अगर आपको बुरे लगी मेरे कोई शब्द इस वीडियो में भी बुरे लगे तो माफ कर दिया, हाथ जोड़ कर निवेदन है, और इस वीडियो को यहीं पर एंड कर।